काशीपुर में एक युवक को फल लाना इतना महंगा पड़ गया कि उसकी जान चली गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया है। बता दें कि काशीपुर के मोहल्ला महेशपुरा निवासी इश्तियाक हुसैन ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। युवक रमजान के महीने में अपनी और परिवार की रोजे इफ्तारी के लिए काशीपुर के टांडा तिराहे पर लेने जा रहा था कि पीछे से आ रहे ट्रक ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने ट्रक और चालक को हिरासत में ले लिया है। एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये मेरे बड़े भाई थे, इश्तियाक हुसैन नाम है इनका। हमारे जो वालिद का नाम है वो मुख्तियार हुसैन है। हम लोग मोहल्ला महेशपुरा के रहने वाले हैं, मदर कॉलोनी के वार्ड नंबर 21 जो अब हुआ है। ये टांडे तिराहे पे फल वगैरह लेने जा रहे थे। अभी कुछ दिन पहले से ही जब से लॉकडाउन लगा है ई रिक्शा चलाते थे। अब जो बच्चे हैं जो हैं वो लोग सब रोजे से हैं अपने अपने, तो फल वगैरह लेने गए थे टांडे तिराहे पे से। अब उसके बाद में पता नहीं यानी क्या परेशानी आई जो गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट हुआ है। हम लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है हम लोग अपने अपने आ रहे हैं परिजन इन लोगों के पास में। अभी तक तो खैर हमने डेड बॉडी भी नहीं देख पाए। ये महेशपुरा निवासी है। ये एक ट्रक जो टांडा तिराहे पे आ रहा था उसके पिछले पहिए में आकर इनका एक्सीडेंट हुआ है और इनकी डेथ हो गई है। इस पे जो ट्रक है वो सीज कर लिया गया है, बाकी अभी इसमें जांच चल रही है। इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।